गाइज़ वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं बता दूँ कि मैं मुंबई में था और मुंबई में जो जॉब थी वो बहुत ही टफ था, तो मैंने इस जॉब को स्किप करके मैं फ़िलहाल घर आ गया हूँ। और मेरा जो थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब वगैरह भी हो गई थी वहाँ, ठीक है, तो इसलिए अभी अभी मैं आ गया हूँ अपने घर मधेपुरा। ये देखो यार, इसको तो थोड़ा सही कर लेना चाहिए ना, थोड़ा बैकग्राउंड भी लोग को देखना चाहिए ये सब चीज़ें। पहले रुको इसे सही कर लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं होता है। तो देख सकते हो सब कुछ सही है और घर आने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो देखते हैं बाहर क्या अभी है। अभी हम थोड़ा जाने वाले हैं बाहर। तो वो देखो, वो लगा हुआ है मेरा भोला, जिसका मैंने नामकरण करा था अपने यूट्यूब से, ठीक है, तो वो लगा हुआ है, तो उसे लेकर अभी जाने वाले बाहर। तो ये रहा कि जो कि मुझे मिल गया है, तो चलो चलते हैं अभी बाहर। और ये भी ले लिया गया, ये गाड़ी का पेपर है इसके अंदर, तो मैं बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ, फिलहाल चलते हैं। गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप और इसमें जो है फ्यूल काफ़ी कम है, तो इसलिए अभी फ्यूल डलवाऊँगा इसमें, फिर उसके बाद मुझे जाना है कहाँ वो मैं बताता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ हीरो शोरूम के पास, और हीरो शोरूम के पास ये जो देख रहे हो, मुझे करवाना है आज गाड़ी की सर्विसिंग। तो ये जो देख रहे हो, ये राइट साइड में आपको हीरो शोरूम दिख रहा है, और इसके लेफ़्ट साइड में आपको इसका है सर्विसिंग सेंटर, मतलब कि आपको इसके अंदर से, इस रोड से अंदर चले जाना है। तो मैं जा रहा हूँ अंदर, और मेरा दोस्त होगा अभी अंदर नेमत, तो मैं उनसे बात करूँगा और मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अप्रॉक्स मैं पाँच महीने से मैं सर्विस नहीं करवाया हूँ अपनी गाड़ी का, और मेरी गाड़ी का जो हालत है बहुत ही बुरा हो चुका है। गाइस तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सर्विस सेंटर के अंदर, और आप देख सकते हो ये है हीरो शोरूम का सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे जितने भी हीरो के गाड़ी है सब सर्विसिंग होता है। और ये देखो मेरे गाड़ी का जो हालत है बहुत ही बुरा हो चुका है। और ये देखो मैंने नंबर भी लगा लिया है, तो मेरा नंबर जो है वो 26 है, ठीक है। तो और गाड़ी का मैं रीडिंग भी दिखा सकता हूँ कितना किलोमीटर चल चुका है। जो लास्ट सर्विस था वो 11,269। ओ भाई साहब क्या बात है। और क्या है ना, हाँ, तो अभी मैंने गाड़ी जमा कर रखा है, यहाँ पे लगा दिया है, और सर्विसिंग बस थोड़ी देर में होने वाला है। तो कैसा चल रहा है यहाँ पर का जो काम वगैरह, वर्क वगैरह है? बहुत सुंदर चल रहा है। अच्छा, तो मतलब अप्रोक्स मतलब एक दिन भर में लगभग कितना गाड़ी सर्विस हो जाता है? 100 से 150 गाड़ी भाई, सुन रहे हो ना, 100 से 150 गाड़ी एक दिन में मधेपुरा में जो कि सर्विस हो रहा है, वो भी हीरो शोरूम के अंदर। तो भाई किस तरीके से शोरूम हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर का आप देख रहे हो। तो वो जो सामने वाला एरिया दिखाया था वो शोरूम का एरिया है, और यहाँ पे सिर्फ ओनली सर्विस होता है, ठीक है। और मजे में ना, और मजे में हमें जानते हो, बिल्कुल जानते हैं, इससे पहले वाला वीडियो जो देखा था शोरूम का, हाँ ठीक है। तो मैं जो हूँ, मैं जहाँ पे ये शोरूम है, जिनका शोरूम है, मैं उनका पड़ोसी हूँ, जस्ट मैं उनके घर के बगल में रहता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मुझे बहुत कुछ का बेनिफिट मिलता है इस शोरूम से, ठीक है। ये है वेटिंग रूम, तो अभी मैं जा रहा हूँ वेटिंग रूम के अंदर, और मैंने अपना गाड़ी जमा कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब एसी वगैरह है, मतलब आप यहाँ पे बैठ के आराम अपना वेट कर सकते हो अपने इसका। चलो थोड़ा सा बैठता हूँ यहाँ पे। सामने आप देख सकते हो टीवी भी है, मतलब आप अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन यहाँ पे चलते रहता है हमेशा, जो भी मतलब कस्टमर आ रहा है तो उसे इस रूम में बैठा के अपना टीवी वगैरह देखे, इससे थोड़ा सा उसे भी इंटरटेन होगा कि टाइम पास के लिए ये एक अच्छा सा जगह है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी मेरा गाड़ी है वो बहुत ही गंदा था, तो इसलिए अभी जो है यहाँ पे पहले वॉशिंग किया जा रहा है, फिर उसके बाद सर्विसिंग किया जाएगा। देख सकते हो किस तरीके से इसका जो ये है, क्या बोल रहे, मतलब एक एक धूल यहाँ से निकाल दिया जाएगा उससे। ओ भाई देख सकते हो वॉशिंग करके ये आ चुका है, और अब इसे सर्विस के लिए भेजा जाएगा। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। पहले जो है ये शुरू में बहुत ही गंदा था, बहुत सारा धूल था, तो अभी थोड़ा सा चमक आया है इसके अंदर, और अब जो है इसका वॉशिंग होने के बाद अब इसे सर्विस में भेजा जाएगा उसके ऊपर। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये आ चुका है सर्विस पॉइंट पे मेरा गाड़ी, और काफ़ी अभी नीचे था, नीचे से इसे ऊपर लगाया गया है, वो वहाँ से बटन प्रेस करके, और ये ऊपर आ गया, और अब मेरा स्टार्ट हो रहा है सर्विसिंग मेरे गाड़ी का। देख सकते हो ये है मोबिल, जो कि पूरी तरीके से आप देख सकते हो काला हो चुका है, क्योंकि लगभग अप्रॉक्स 4 महीने से ये सर्विस नहीं हुआ था मेरा गाड़ी। तो अभी देख सकते हैं ये अभी गाड़ी के अंदर का पार्ट्स है जो कि अभी चेंज हुआ है, इसे एयर फिल्टर कहते हैं,
मतलब इससे जो है एयर को फिल्टर किया जाता है, तो आप देख सकते हो कितना गंदा हो गया है, मतलब इतना पुरा, मतलब बहुत दिन से जो इसे एक बार भी चेंज नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है लगता है। फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है जब से गाड़ी मैंने लिया है। इस तो फाइनली हमारा जो सर्विसिंग है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट होते होते अभी बस सफाई चल रहा है, और कंप्लीट होते होते शाम भी हो गई भाई, और बारिश भी बहुत कस के हो रही है। और हमने ये जो ये था पेड कर दिया है, तो यहाँ पे लिखा है फ़ोन पे, क्योंकि मैंने फ़ोन पे से अगर किसी से पे किया तो वहाँ पे नीचे में लिखाया रहता है। और एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छा है कि ये आपको गेट पास, ये जब आप एंट्री करोगे ना, जब जमा करोगे, तो ये आपको ये देगा, ये कागज़ देगा। और यहाँ पे जब आपका सर्विसिंग पूरा हो जाएगा, जब आप बिल पे कर दोगे, तो ये आपको गेट पास इस तरीके से देगा, और तभी आप ये गाड़ी लेके बाहर जा सकते हो, जब आप ये गेट पास अप्रूवल दिखाओगे। गाइज तो फाइनली मैंने यहाँ पे गेट पास जमा कर दिया है, और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगा इनके डायरी में, और फिर मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होता है ये सब मेंशन किया जाता है, ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है, लोग गेट पास को मेंशन करते हैं। इससे क्या होगा कि मुझे अब मैं यहाँ से गेट पास दे दिया और मुझे यहाँ से की मिलेगी, और फिर मैं यहाँ से आराम से लेकर चले जाऊँगा। तो सो मेरा गाड़ी वहाँ पर तैयार है, तो अब मैं गाड़ी लेकर निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। की समस्या का समाधान पहली बार में हो गया? हाँ हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। आपकी गाड़ी की सफाई पॉलिश कैसा रहा? सफाई पॉलिश वगैरह भी मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, जो कि चमक रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कि नया नया गाड़ी मैं शोरूम से निकाल रहा हूँ। आपकी नहीं हुई कोई दिक्कत ना हुई सब चीज़ों में, यानी बिलिंग बिलिंग वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप कैश भी कर सकते हैं। अभी जो आप डिलीवरी ले रहे हैं उसमें आसानी हुई कि दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं बहुत आसानी हो रहा है एकदम, कोई बात नहीं। यहाँ हर एक चीज़ अगर लोग सीरियस से करें ना, तो हर काम एक से, हाँ एक से दस तक का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है? तो आप रेटिंग में कितना मार्क देना चाहेंगे? एक से दस तक में मैं 9.5 दूंगा, मैं 5.5 जो है वो आधा थोड़ा सा मैं काट लूँगा, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है? आपकी गाड़ी में जो वर्क हुई सामान में जो लगा आपका मोबिल है फिल्टर है हाँ, ओरिंग है ओके। नेक्स्ट सर्विस आपका 14,000 के आसपास होगी, मतलब 14,000 जब मेरा पूरा चलेगा गाड़ी उसके बाद मेरा नेक्स्ट सर्विस होगा। अच्छा चलिए ठीक है। सर्विस चार्ज में 50% का लिया गया है, ठीक है? मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे जो सर्विस चार्ज है मुझे सिर्फ 50% लगा है, ये बेनिफिट है मुझे यहाँ के, ठीक है? चलिए। तो बारिश शुरू हो गई और रात भी हो गया, वहाँ लगातार 4 घंटा मैं वहाँ रहा, और पूरा सर्विसिंग, क्योंकि सर्विसिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, हर एक पार्ट्स को खोल के सर्विस किया जाता है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा रहा, और वहाँ मैंने रेटिंग भी किया 9.5 किया, पूरा 10 में 10 नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैं भी प्रॉब्लम फेस किया, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, ठीक है? तो देख रहा हूँ मैं भींग गया यार, पानी पहले से थोड़ा सा कम हुआ, फिर रास्ते में ज़्यादा हो गया जब इस साइड आया था। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना और ज़रूर कमेंट करना। और मैं मधेपुरा आ गया हूँ तो मुझे खुशी हो रही है, और मैं अब अच्छे से बनाऊंगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, फिर मिलेंगे।